नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। 22 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन से तलाश, 301 कर्मी, तमाम पुलिस और पीएसी के जवान, स्थानीय लोगों की मदद, फिर भी दो भेड़ियों को पकड़ने में सबके पसीने छूटने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में भेड़ियों के झुंड ने कहर मचा रखा है। चार भेड़िए तो पकड़े गए, लेकिन दो को पकड़ना अब भी बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ताजा घटना में एक भेड़िए ने 3 साल की बच्ची को उठा लिया और उसको मार डाला। पचास पचास गांव में आधी रात को जब सन्नाटा भारी होता है तो माताएं अपने बच्चों को सीने में दुबका लेती हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं भेड़िया ना आ जाए। क्योंकि उनको डर रहता है कि जैसे 10 लोगों को भेड़ियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह उनके बच्चे भी किसी भेड़िए का शिकार ना हो जाए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में करीब 22 किलोमीटर के रेंज भेड़िए के डर और दहशत से इन दिनों भरी है। इस मां के आंसुओं में मंजर समाया है जब इसकी 3 साल की मासूम बच्ची को भेड़िया उठा ले गया और मार दिया। और उस बच्ची को बचाने के चक्कर में एक बुजुर्ग महिला भेड़िए के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गई। आपको खींच ले जा रहा था क्या? कितनी दूर तक खींच ले गया? किसने बचाया आपको? यहाँ भेड़िया आया और यहाँ पे अचाला जी को यहाँ से खींच के ले गए। यहाँ पे पहले दरवाजा पल्ला बंद, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोल के फिर यहाँ पे काटा, फिर वहाँ खींच के ले गया। वहाँ से फिर वो चिल्लाए हैं तो वहाँ से दूसरे सरको आए हैं। लोगों का हर दिन इस डर में गुजरता है कि कहीं भेड़ियों का हमला ना हो जाए। उनकी हर रात इस खौफ में कटती है कि कहीं कोई भेड़िया उनके बच्चों को ना उठा ले जाए। आखिर भेड़ियों का ये प्रकोप है क्यों, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। बहराइच के महसी इलाके के पास से शारदा नदी बहती है। बारिश का मौसम है, नदी में बाढ़ आई हुई है, इससे भेड़ियों का झुंड रिहायशी इलाकों में आ गया है। इस पूरे इलाके में गन्ने की खेती होती है और इस मौसम में गन्ने की फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जिसे ड्रोन लगाकर भी भेड़ियों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। फिर बारिश के कारण भेड़ियों के गुजरने के निशान भी नहीं मिल पा रहे हैं। जब तक इनकी पहचान वाली जगह पर वन विभाग और सुरक्षा विभाग के लोग पहुंचते हैं, तब तक भेड़िया बहुत दूर निकल जाते हैं। और इन मजबूरियों के बीच लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए प्रशासन प्रयास करने की बात कर रहा है। जिलाधिकारी मोनिका रानी एसपी के साथ हादसा प्रभावित इलाकों में घूम रही हैं। ये गांव जिसमें घटना हुई, इस गांव में ये पहली जो है मृतक वाली घटना हुई है और 2.5 साल की बच्ची को उठाया गया है। इस अभियान में यही दिक्कत आ रही है कि जो भी भेड़िया है वो लगातार नए गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। जिन गांव में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए, वहां पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई है, वन विभाग भी कार्य कर रहा है और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। लगातार लोगों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है दरवाज़ा बंद करके सोएं या छतों के ऊपर सोएं, कोई खुले में ना सोएं। यूँ तो मार्च के महीने में भी आदमखोर भेड़िए ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी, लेकिन बीते 2 महीनों में बहराइच के महसी इलाकों में इन आदमखोर भेड़ियों का डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालात ये हैं कि लोग अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ना जाने कब यह आदमखोर भेड़िया उनके बच्चे को उठा ले जाए।
लोगों के डर तब ज्यादा बैठ गया जब 8 साल के किशन को एक भेड़िया ले गया। तब से इस गांव के लोग अपने बच्चों को अपने साथ लेकर बैठे रहते हैं। किशन के पिता उस दर्द को ताउम्र नहीं भूल सकते जब भेड़िया दबे पांव आया और उनके बच्चे को उठा ले गया। पूरब कहां से रहन रहा यू? यह पर पहुड़े रहा 3 लड़का, बिच्चा से नहीं लड़का के यह बकरी के हैं। अब ऐसे किनारे किनारे निकले और ये पंजा बने रहा। जब यहाँ से निकले कि दाँव इतनी ना देखे कि हम इका निकाल न पाइबे तो घड़ा में देख कूद के हुआ गिरा रहा है, हुआ खा ले। बड़ा मांझिल सांझिल 3 लड़का ये खटिया पर रहा है, दरवाजा से सटी हुई खटिया। पूरब कहाँ से रहन रहा यू? यह पर पहुड़े रहा 3 लड़का, बिच्चा से नहीं लड़का के यह बकरी के हैं। अब ऐसे किनारे किनारे निकले और ये पंजा बने रहा, ये पंजा। पहले कुलहला गांव में 8 साल के किशन का मामला हुआ और अब एक 3 साल की बच्ची को उठा ले जाने की घटना ने लोगों को पूरी तरह से हिला दिया है। जानकारों के मुताबिक भेड़िया बेहद शातिर, चालाक और फुर्तीला जानवर होता है। बेहद खामोशी से दबे पांव आता है और शिकार को मुंह में दबाकर फौरन भाग जाता है। वो शिकार को लेकर कुछ दूर निकल जाता है और फिर बाद में उसे खाता है। बरसात के महीने में कंदराओं या खो में रहने वाला भेड़िया रिहायशी इलाकों में आ जाता है, जिसके कारण इनका खतरा और बढ़ जाता है। बारिश के चलते बहराइच में भेड़ियों का शिकार बड़ा हो सकता है, लेकिन वहां जिस तरह से भेड़िये लोगों पर लगातार हमला कर रहे हैं, उसकी एक वजह मानी जा रही है कि किसी भेड़िये के मारे जाने के कारण भी भेड़िये बदला लेने के लिए काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ लोग ये बता रहे हैं कि ये बहुत पारिवारिक होते हैं। अगर इनके परिवार के सदस्य कहीं मार दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है तभी ये हिंसक हो जाते हैं, और उसमें एक लंगड़ा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा उसको चोट लगी होगी या पहुंचाई गई होगी। हो सकता है कि उसी ने अपने बच्चों को बड़ा करके और ये बदला लेने की नीयत अपनाई हो। अब इस इलाके में गांव वाले रात रात जाग कर कष्ट कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जिला अधिकारी से लेकर स्थानीय विधायक से सीधी रिपोर्ट ले रहे हैं। और जब इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं प्रतिदिन, तो किसी तरह की ढिलाई बरतने का कोई मतलब नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट ले रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल, प्रतिदिन की रिपोर्ट ले रहे हैं। सरकार की कोशिश उन घरों में दरवाजा लगाने की भी है जिनमें दरवाजे नहीं है। डीएमएसपी के साथ ही सीएफओ, 301 कर्मी और पुलिस पीएसी के जवान भेड़ियों की तलाश में हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि 4 भेड़िये तो पकड़े गए तो 2 भेड़िये अभी भी गायब है। जो जिले में हुआ है पूरे महीने में, अगस्त महीने में हुआ था, ये अलग अलग जगहों पे हुआ है, जिससे 2 टाइगर से डेथ हुआ है और 1 आदमी घायल हुए हैं टाइगर से, और 1 जो सदर में हुआ था जिसके तेंदुए की वजह से डेथ हुआ है। तो ये बिल्कुल अलग अलग इंसिडेंट, अलग अलग जगह और अलग अलग किस्से हैं। सरकार की तरफ से पीड़ितों को आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन सवाल पैसे का नहीं है, अपनों की जान गंवा देने का है और जान बचाने का भी। बहराइच से सलीम सिद्दीकी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बहराइच में तराई वाले इलाके में जंगली जानवरों का खौफ रहता है, लेकिन ऐसा खौफ इस इलाके के लोगों को देखने को नहीं मिला था, इसलिए उन 2 भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है जो किसी बच्चे को उठा ले जाते हैं। शातिर जीव माने जाने वाले भेड़ियों की तलाश करीब 75 किलोमीटर के दायरे में हो रही है। इस बीच बहराइच की तरह ही सीतापुर में भी भेड़िये का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ तो किसी ने मजाक तक नहीं किया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, फिर भी भेड़िया आ गया।
और आया तो तीन लोगों को बुरी तरह घायल करके चला गया। ये मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर से 25 किलोमीटर दूर परसेरा शरीकपुर गांव का है। घटना सोमवार सुबह की है, जब गांव में एक भेड़िया घुसाया और एक बच्चे को घसीटने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर उस बच्चे की मां बचाने आई तो भेड़िये ने मां पर भी हमला कर दिया। इस बीच बचाव में तीन लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव वाले अब लाठी डंडे के सहारे गांव में घूम रहे हैं। घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को लगी तो वो मौके पर पहुंचे। विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन भेड़िये के हमले को नकार भी रहा है। जो दोनों जगह अटैक हुआ है वहाँ हम डिटेल इंक्वायरी की है, डिटेल चेक किया है, पगमार्क चेक किए हैं, लोगों की चोट को एनालाइज किया है, लोगों से बात की है। इसके अलावा लोगों को भेड़िये का अन्य जानवरों का फोटो दिखा के बताया भी है कि क्या ये जानवर था, तो लोगों ने भेड़िये को देख के इनकार कर दिया कि जानवर वहाँ नहीं था। नॉर्मली गाँव में सियार जैसा जानवर रहता है, तो सियार को देख के लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये बड़ा जानवर है, जो कि नहीं है। सियार खतरनाक जानवर भी नहीं होता, ना ही वो इंसान पे हमला करके उसको नुकसान पहुँचा सकता है। सीतापुर से बहराइच तक भेड़ियों की तलाश जारी है। बहराइच में चार भेड़िये तो पकड़ लिए गए, लेकिन दो आदमखोरों की तलाश जारी है। पिंजरे में बंद ये भेड़िया ये उसी आदमखोर झुंड का हिस्सा है, जिसने क्षेत्र के कई गांवों में आतंक मचा रखा है। इसे वन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किया गया। एक हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर गन है, उसमें मेडिसिन दूर से डार्ट करते हैं और जैसे बेहोश होता है उसके बाद हम लोग इसको कैप्चर करके केज में शिफ्ट करके रिवाइवल भी देते हैं। रिवाइवल करने के बाद लगभग तुरंत होश में आ जाता है 5 से 10 मिनट में। तो अभी पूरी तरह से कॉन्शियस है और मतलब बेहतर स्थिति में है। तो अभी इसको हम थोड़ा टाइम देंगे, पानी देंगे और थोड़ा सा मतलब शांत माहौल रखेंगे तो ये शांत रहेगा। अभी थोड़ा आप देख रहे हैं कि खटर पटर हो रही है, वो थोड़ा शांत हो जाएगी। बहराइच में मामला कितना गंभीर है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कई विभाग के अफसरों के साथ बिजनौर में जाकर बैठक की। जानकारी के मुताबिक खोखार भेड़ियों के पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमों ने करीब 75 किलोमीटर के दायरे में कॉम्बिंग की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी बचे आदमखोरों को भी पकड़ लिया जाएगा। सीतापुर में मोहम्मद समीर और बहराइच से सलीम सिद्दीकी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भेड़िये से आगे कहाँ के रिहायशी इलाके में घुस गए हैं तेंदुए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहराइच और सीतापुर में भेड़िये का खौफ है तो बहराइच से सटे बिजनौर में गुलदार ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। वहीं रामपुर जिले में तेंदुए के कारण लोग अपने बच्चों को घरों में रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के जमुना जमुनी गाँव में इस तेंदुए की वजह से लोग खौफजदा है। तेंदुआ कभी घूमता दिखता है, कभी ट्यूबवेल के बोरिंग पर बैठा हुआ तो कभी पेड़ पर चढ़ा हुआ। वो शिकार के घात में रहता है और लोग अपनी हिफाजत के लिए परेशान हैं। सब खतरा तो पूरा बना हुआ है। बच्चों को दिन छिपते ही अंदर करना पड़ता है, रात में भी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हाँ भी कोई है नहीं आसपास। खतरा बरकरार है पूरा, रात को भी उठकर देखना पड़ता है 3-4 बार। रात को 12-1 बजे तक जागते भी हैं, फिर थोड़ी नींद आती भी है, तो फिर मतलब थोड़ा बहुत उसमें करना पड़ता, उठ के देखना पड़ता 2-4 बार। तेंदुए ने एक कुत्ते का शिकार किया, लेकिन डर में इंसान है इसलिए अपने बच्चों को दिन में भी कोई घर के बाहर नहीं भेजता। बात सिर्फ एक गांव की नहीं है बल्कि जमुना जमुनी के आसपास के 14 गांव में उसको पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है। बकरी भी बांध दी गई है, बस तेंदुआ अब तक नहीं आया है। तो किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जैसा बहराइच में हुआ वो रामपुर में बिल्कुल नहीं होगा और हम लोग सजग हैं। इससे पहले भी 5 तेंदुए हम पकड़ चुके हैं, तो अगर वहाँ तेंदुआ है तो निश्चित पकड़ में आएगा। तेंदुए की एक प्रजाति गुलदार भी है। बहराइच में भेड़िये का आतंक है तो उसके बगल के बिजनौर में गुलदारों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बीते 8 दिनों में गुलदारों ने 3 लोगों को मार डाला, जबकि बीते 1 साल में 23 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई है, जबकि 50 लोग घायल हुए।
इसीलिए यूपी में आज वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों को बचाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।